नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। मशहूर गाना है खातून की खिदमत में सलाम अपुन का, लेकिन इसका एक पाकिस्तानी वर्जन भी है जिसका मतलब है कि खातून की खिदमत में फ्लैट अपुन का। इसमें खातून है हिंदुस्तान की लड़कियां और फ्लैट दे रहा है पाकिस्तानी बिजनेसमैन। ये मोहब्बत के नाम पर जिहाद की वो जहरीली फैक्ट्री है जिसमें हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले अंजू थी और अब दीपिका है। नेक्स्ट कोई भी हमारा मेहमान आता हो पाकिस्तान में इस्लाम कबूल करके, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से एक लेक्स एनक्लेव में प्लॉट गिफ्ट किया जाएगा, घर गिफ्ट किया जाएगा। उपहार में कैश और फ्लैट, कंगाल पाकिस्तान का ट्रैक। पहले अंजू पर तोहफों की बारिश, अब दीपिका वाली साजिश। नजीरा बनेगी मोहरा, उपहार के पीछे किसका चेहरा। कैटेगरी वाइज उसको हमने इनको ऑप्शन दिया है कि कॉर्नर, मेन बुलेवार्ड और पार्क फेस जो ये लाइक करेंगे उसमें हम 10% एक्स्ट्रा हमारे होते हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शन इनके पास मौजूद है। धर्मांतरण के नाम पर ISI की फैक्ट्री काम पर। इंटरनेशनल मीडिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कितने ज़बरदस्त लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, कितनी मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। मोहब्बत के नाम जिहाद वाला पंडा, प्रोपेगेंडा मशीन का नया एजेंडा। ISI की स्क्रिप्ट लीक, नहीं मिलेगी भीख। ब्रेन वॉश का जहरीला फॉर्मूला, तबाह होगा आतंक का किला। जिन्नालैंड की जिहाद फैक्ट्री, धर्मांतरण की खौफनाक हिस्ट्री। ये पाकिस्तान के जिहाद का नया हथियार है जिसका नया शिकार है दीपिका, जो पहले अपने इरफान नाम के मुस्लिम लड़के के साथ भागकर कुवैत गई और फिर धर्म बदलकर दीपिका से नजीरा बन गई। अब इसी नजीरा पर पाकिस्तान लाखों लुटाने को तैयार है। जैसे अंजू को तोहफे में फ्लैट दिया, ठीक उसी तरह पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने नजीरा बनी दीपिका को तोहफे देने की बात कही है। लेकिन जो पाकिस्तान हिंदू लड़कियों पर लाखों लुटा रहा है उसके अपने देश में महिलाएं बदहाली में जी रही हैं, पाकिस्तान को उनकी फिक्र नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसके अपने खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर वो लाखों करोड़ों रुपए लुटाने को तैयार है। जब अंजू पाकिस्तान पहुंची थी तो पाकिस्तान ने उस पर तोहफों की बारिश कर दी। अब यही तोहफों का लालच पाकिस्तान ने दीपिका को दिया है, जो राजस्थान के डूंगरपुर से कुवैत भाग गई है। इस्लाम कबूल कर दीपिका से नजीरा बन गई है। मैं दीपिका, नजीरा, दीपिका उफ नजीरा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। दीपिका के नजीरा बनने से पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है कि उसके बिजनेसमैन मोहसिन खान अब्बासी ने दीपिका को न सिर्फ पाकिस्तान आने का न्योता दिया है बल्कि अंजू की तरह ही प्लॉट और कई गिफ्ट देने का लालच भी दिया है। अंजू जब पाकिस्तान गई थी तब उसे 40 लाख का प्लॉट और कई सारे सोने चांदी के महंगे तोहफे भी दिए गए थे।
अंजू को ये तमाम गिफ्ट पाकिस्तान के बिजनेसमैन मोहसिन खान अब्बासी ने ही दिए थे और अब इसी बिजनेसमैन ने दीपिका को भी तोहफा देने का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान अपनी उपहार वाली फैक्ट्री सिर्फ हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए चलाता है या फिर उसे अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम लड़कियों की भी कोई फिक्र है, क्योंकि महिलाओं के लिए पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश है। यहां महिलाओं के साथ मारपीट हिंसा आम बात है। लेकिन बात सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान में महिलाओं के पढ़ने लिखने से लेकर उनके बोलने तक पर काफी हद तक पाबंदी है। ऐसे इस बात से समझिए कि पाकिस्तान की कुल आबादी में करीब 49.2% महिलाएं हैं, लेकिन उनकी हैसियत दूसरे दर्जे के नागरिक जैसी है। पाकिस्तान के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 22.63% है, लेकिन उनकी आमदनी तो पुरुषों की तुलना में महज 16.3% ही है। वहीं 34% शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर से फिजिकल और सेक्सुअल हिंसा का सामना करती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के नाम पर हर साल सैकड़ों महिलाओं को मार दिया जाता है। 2022 में ही 152 महिलाओं की हत्या ऑनर किलिंग के नाम पर की गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान 146 देशों की लिस्ट में 142वें नंबर पर है। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान महिलाओं के लिए कितना बड़ा नर्क है। उधर पाकिस्तानी आवाम खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। एक टाइम खाती है, दो टाइम बच्चों को स्कूल से निकल दिए, जब हमारी ताकत नहीं है तो अभी महंगाई इतनी है। वो भी भाई यही कह रहे हैं, पहले कराची में कभी कोई एक दूसरे के साथ ऐसे जबान से नहीं दराज नहीं करता था, मगर कारोबार के लिहाज से हर बंदा एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। बच्चियां मेरी तेन कमावन वाले कोई नहीं, बंदे ने सब लड़ो है वो नहीं काम कर सकता। ऐसा मजदूर है, मजदूरी करना है, अगो ही सन मजदूरी नहीं लाभ रही, कभी भूखे सो जाते बच्चे की करिए। फिर महंगाई इन्नी है कि किसे घरे सानू अमीर है या हुकूमत है उन्होंने तरस ही नहीं आता साढ़े गरीबा की करिए। असी फिर जो प्याज था ना 300-350 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दरी के साथ लिया, यानी कि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दरी के साथ। क्या हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 18,000 सैलरी, उसमें क्या क्या मैं मैनेज करूँ। बावजूद इसके अंजू कहे कि पाकिस्तान अच्छा है। और बताएं, इंडिया वाले चैनल तो पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे फातिमा अंजू जो है खुश नहीं है। अरे इंडिया चैनल की देखो कोई बात नहीं है, वो उनका काम है, उन्हें तो वीडियो बनानी है और उनको अपना नंबर बनाने हैं। रियल तो ये है ना कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो मैं बोलती ना, पर मैं यहाँ पे कितनी आज़ाद हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कितनी आज़ादी से घूम रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल खड़ा होता है कि अंजू ये खुद बोल रही है या उससे यही बात बुलवाई जा रही है, क्योंकि तारीफ तो सीमा भी भारत की खूब करती है। नमस्कार, जय श्री राम, मैं सीमा मीना। भारत बहुत प्यारा देश है, यहाँ दुनिया भर के देवी देवताओं ने जन्म लिया है। पिछले वर्षों में मोदी जी ने जो देश का मान और सम्मान बढ़ाया है कि लोग दूसरे देशों में भी अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने भारत में जन्म क्यों नहीं लिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ और प्रधानमंत्री ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन भारत में तो सीमा का न किसी ने धर्म बदलवाया और न ही किसी पाकिस्तानी महिला को तोहफे का लालच, पर पाकिस्तान बेशर्मी और बर्बरता की किसी भी हद तक जा सकता है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और फिर उनका जबरन धर्मांतरण किया जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत धृतराष्ट्र की तरह ये सब कुछ देखती रहती है। 2016 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बिल लाया गया था जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के धर्मांतरण पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी, पर बिल आने के बावजूद स्थानीय सरकार ने आज तक उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान कैसे धर्मांतरण की नाजायज फैक्ट्री चला रहा है। यह पाकिस्तानी जो धर्म परिवर्तन के नाम पर भारतीय महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। अब वो कह रहे हैं कि उसने अंजू को भी वहाँ पे धर्म जब बदला था तो प्लॉट दिया था,
इसके पीछे क्या सच्चाई है कोई इसके बारे में ना जानता है ना इसमें जानने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये प्रोपेगेंडा वहाँ से चल रहा है तो मैं यहाँ पे जो हमारी महिलाएं इस तरह के प्रोपेगेंडे को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि ये इस तरह के धर्म परिवर्तन के मसले में ना आए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का महिलाओं को तोहफा देना सिर्फ दिखावा भर है या मासूम हिंदू लड़कियों को इस ट्रैप में फंसाने का ये कोई नया तरीका है? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ महिलाओं की हालत ही बुरी नहीं, खुद पाकिस्तान की हालत इतनी पतली है कि गले तक कर्ज में दबा है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसका उस पर कोई कर्ज ना हो। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो पैदाइश के साथ ही वो करीब 2.5 लाख रुपए का कर्जदार बन जाता है। अब जिस देश के अपने खाने के लाले पड़े हों वो हिंदू लड़कियों के इस्लाम कबूल करने पर 40 लाख के प्लॉट देने की बात कहे तो सवाल उठना तो लाजमी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले रही है, लोकतंत्र दशकों पहले रौंदा जा चुका है, या यूं कहें कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही शासन चलता है और वो है सेना का शासन। क्योंकि जिसने सेना की हां में हां मिलाई उसकी तो सरकार चली, लेकिन जिसने भी आंख दिखाई उसकी कुर्सी गई। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या पाकिस्तान ने जिहाद को बढ़ावा देने के लिए ही लव ट्रैप को हथियार बना लिया है? क्योंकि पहले पाकिस्तान सीमा पार से आतंकी भेजता था, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान ने दहशत के लिए नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक जो है कट्टरपंथी देश है और वहाँ पे महिलाओं की जो इज्जत है वो आप और हम रोज मीडिया में और इधर उधर देख ही रहे हैं। जो हमारे यहाँ नारी का सम्मान है वो पाकिस्तान में इतना नहीं है। तो मेरी यही सजेशन है कि इस तरह के प्रोपेगेंडे के बहकावे में ना आए और धर्म परिवर्तन के नाम पर अपने आप को इससे दूर रखें और मोहसिन खान जैसे आदमी को अवॉइड करें। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर भारत की कई लड़कियां हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए न सिर्फ दोस्ती के जाल में फंसाया जाता है बल्कि उन्हें बड़े और महंगे तोहफों के लालच दिए जाते हैं। अंजू के केस में भी यही हुआ, जिसने पाकिस्तान से 2 से 3 दिन में वापस आने की बात कही थी पर आज तक नहीं लौटी। पाकिस्तान पहले मासूम हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है, फिर उन्हें प्रेम के जाल में फंसाया जाता है और फिर धोखे से उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। क्योंकि अंजू और दीपिका के मामले में कई ऐसी बातें हैं जो इसको और ज़्यादा बल देते हैं, और तोहफों की जो फैक्ट्री चलती है उसे फंडिंग ISI से मिलती है। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। क्या पाकिस्तान और उसके जिहाद के एजेंट इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं? क्या जानबूझकर ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करते हैं? क्योंकि दीपिका ने अपने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत ही ज़्यादा परेशान थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे मेरे को, मेरे साथ ना जाने क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। मैंने 6 से 7 बार इन चीज़ों से परेशान होकर 6 से 7 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिन चीज़ों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि दीपिका जो कह रही है वो सच है या फिर सच थोड़ा धुंधला है? क्योंकि एक पक्ष दीपिका के पति मुकेश पाटीदार का भी है, जो अपनी पत्नी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा। उसे भनक तक नहीं लगी कि उसकी पत्नी किसी इरफान नाम के शख्स के साथ कुवैत भाग गई है और अपना धर्म बदल लिया है।
दीपिका द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है वो वीडियो एकदम फेक है। मुझे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि मेरी औरत को, मेरी पत्नी को इधर अदालत में पेश किया जाए और अदालत द्वारा उसकी पूरी जांच की जाए और उसके बयान अदालत द्वारा लिए जाए। ऐसे वीडियो फेक वीडियो पे ध्यान न दिया जाए और जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दरअसल 13 जुलाई को दीपिका अपने दो बच्चों को छोड़कर भाग गई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मुकेश ने 15 जुलाई को दर्ज करवाई थी, लेकिन दीपिका कहीं नहीं मिली। एक महीने बाद 13 अगस्त को बुर्का पहने दीपिका की एक युवक के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फोटो में दिख रहा युवक गुजरात के नवा नगर का रहने वाला इरफान हैदर था। जब मुकेश ने हैदर के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि दीपिका अपने प्रेमी के साथ कुवैत गई है और दीपिका से नजीरा बन गई है। दीपिका के परिवार वालों का आरोप है कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए दीपिका का ब्रेन वॉश किया गया है। वीडियो है जो इसको बुलवाया गया है, वो पास में खड़ा रह के जबरन बुलवाया गया है और उसका जो है वो ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश करके उसको जो है इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशर डाल के ये सब जबरदस्ती इससे बुलवाया जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि अंजू और दीपिका में कई चीजें कॉमन हैं। अंजू और दीपिका दोनों ही 35 साल की हैं। अंजू भी दो बच्चों को छोड़कर भागी थी और दीपिका भी दो बच्चों को छोड़ गई। अंजू धर्म बदलकर फातिमा हो गई, दीपिका धर्म बदलकर नजीरा बन गई। दोनों में से कोई भी अपने बच्चे को लेने के लिए नहीं लौटी, सिर्फ लौटने की बात करती है। अब सवाल यह है कि क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है, क्योंकि पाकिस्तान जब से वजूद में आया है उसकी सोच जिहाद और उसके जहर से ग्रसित रही है, क्योंकि जिस सोच के साथ पाकिस्तान बना वही उसकी कब्रगाह बनती जा रही है। क्योंकि पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, अब बलूच और खैबर में भी आजादी की मांग उठ रही है, लेकिन कट्टरपंथी पाकिस्तान की सोच धर्म से आगे नहीं बढ़ पा रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।